जिला अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते हुई थी मां की मौत। कलेक्टर एसपी सीएमएचओ से बेटे ने की शिकायत, कार्रवाई की करी मांग। शिवपुरी शहर के फिजकल थाना क्षेत्र के फक्कड़ कॉलोनी की रहने वाली एक 45 साल की महिला की 31 मार्च की रात जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। आज महिला के बेटे ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सीएमएचओ से अस्पताल प्रबंधन पर बदसलूकी और उपचार में लापरवाही बरतने की शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। बेटे का कहना है कि उपचार के दौरान बरती गई लापरवाही के चलते उसकी मां की जान चली गई। फक्कड़ कॉलोनी के रहने वाले बृजेंद्र सिंह चौहान पुत्र कृपाल सिंह चौहान ने बताया कि 31 मार्च की रात 1 बजे उसकी मां को सीने में दर्द हुआ था। रात 1:30 बजे उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराने ले गए थे, जहां काउंटर पर भर्ती का पर्चा बनाने में ड्यूटी स्टाफ ने 20 मिनट लगा दिए थे। इसके बाद स्टाफ ने उन्हें आईसीयू में भर्ती न करते हुए उन्हें मेडिकल वार्ड में जमीन पर लिटाकर भर्ती किया गया। मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से उचित उपचार की फरियाद लगाई थी, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर और नर्सों द्वारा अभद्रता की गई थी। बृजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुबह 7 बजे उसकी मां की मौत हो गई थी। इसके बाद जब उपचार में बढ़ती गई लापरवाही की शिकायत सिविल सर्जन की तो उनके द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए मां के शव को बाहर फिकवाने के लिए बात कही गई और मेरे हस्ताक्षर करवा लिए गए। इसकी मां की मौत उपचार में बढ़ती गई लापरवाही के चलते हुई है। इसी कारण उसने जिला अस्पताल के डॉक्टरों, स्टाफ और नर्स के द्वारा बढ़ती गई लापरवाही पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? आज आप एसपी ऑफिस आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? या एसपी ऑफिस समस्या लेके आए, हमको न्याय दिलाना है। मम्मी की दवाई करवाने गए थे रात को 1:30 बजे की बात है। कहाँ पे गए थे आप लोग? सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल में। जी जी। फिर क्या हुआ? वहाँ लापरवाही बढ़ती गई, इधर से उधर फेंकते रहे। हाँ। नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर हमारी मम्मी खत्म हुई। कब की घटना है ये? 31 की घटना है, 31 तारीख की। फिर क्या हुआ आपके साथ? उसने बोला ये बॉडी को यहाँ से उठाओ और ले जाओ। किसने बोला ये? किसने? डॉक्टर थे वहाँ, उन्होंने बोला। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कि इनको बॉडी को ले जाओ, नहीं तो क्या करेंगे? हमने बोला अभी नहीं है, हम रिश्तेदार हमारे पीछे और दूर हैं, आएंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो आप तो जल्द जल्द ले जाओ यहाँ से उठा। नहीं ले जाएंगे तो क्या कहा उन्होंने? नहीं फेंक दो, बाहर फेंक देंगे। अच्छा, बाहर फेंक देंगे, ये कहा आपसे? जी जी। तो अभी आप यहाँ आए हो एसपी ऑफिस में शिकायत करने, तो क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया सुनवाई होगी और क्या, सुनवाई करेंगे।